तो नीलमासल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आज देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरा जो प्लांट है दोस्तों वो किस चीज़ का है, तो आप तो फूल से पहचान ही गए होंगे। दोस्तों अगर एक पेड़ में आपका अनेक कलर मिल जाए तो कितना सुंदर लगता है जब एक साथ ये खिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए कि मेरे पास जो है दो कलर खिला हुआ है और बिल्कुल आसानी से वे ग्राफ्टेड हो जाता है और इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ कि मेरा पास जो प्लांट है ये 7 पिस्टल वाला गुड़हल है और ये 1 पिस्टल वाला है, और यहाँ दो ये खिला हुआ है, एक ये खिला हुआ है और कली यहाँ लगी हुई है। तो दोस्तों मैं ग्राफ्टेड करती हूँ और मेरा प्लांट सभी ग्राफ्टेड, आधा से बेसी मेरा ग्राफ्टेड ही है क्योंकि मुझे ग्राफ्टेड प्लांट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसमें 3 कलर बनाई हूँ दोस्तों, लेकिन एक कलर अभी नहीं आया हुआ है, एक कलर अभी पीछे की साइड में है। जैसे देखिए कि इसका जड़ तो एक ही है दोस्तों, जड़ यहाँ है और एक कलर मैं इधर की साइड बनाई हूँ जो अभी नहीं आया, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये नहीं आया हुआ है दोस्तों अभी। तो ग्राफ्टेड करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, बस सिर्फ थोड़ा सा आप इसमें इसको जिज्ञासा बढ़ाइए कि मुझे इससे अन कलर बनानी है मुझे इसको, तो आपका भी बहुत सुंदर सा हो जाएगा। तो दोस्तों गुड़हल एक समर प्लांट है, समर में बहुत अच्छा ग्रोथ करती है और विंटर में कुछ रोक देती है, लेकिन मेरा गुड़हल कभी नहीं रुकता है दोस्तों। मेरा गुड़हल हमेशा, आप लोग के अपडेट भी करते रहती हूँ कि मेरा गुड़हल हमेशा फूल देते ही रहती है। हाँ थोड़ा सा छोटा फूल हो जाता है, इससे बहुत हल्का छोटा होता है, लेकिन फूल बहुत हमेशा रहता है। मेरा गुड़हल तो इतना ज़्यादा फूल देता है कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो इसकी ग्रोथ देखिए कितनी सुंदर है, आ बिल्कुल ताज़ा है दोस्तों। देखिए मैं ग्राफ्टेड की हूँ तो यहाँ जड़ के पास से की हूँ, यहाँ से एक पीला वाला यहाँ हो गया दोस्तों जो इधर भाग गया है, और जैसे देखिए कि एक गुलाबी है जो पूरा ये जड़ यहाँ से है, और एक उधर रेड है जो अभी नहीं आया हुआ है। तो मेरा प्लांट ऐसे ही चलते रहता है। अगर बड़े लोग का सवाल रहता है कि ऐसा से प्लांट सक्सेस नहीं होता है, तो नहीं दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा हमेशा वीडियो, आप लोग अगर नीलम वात्सल गार्डन देखते होंगे तो आपको हमेशा पता चलेगा कि मेरा प्लांट कितना ज़्यादा सक्सेस रहता है और हमेशा फूल देते ही रहती है। गुलाब भी मैं की हूँ दोस्तों, अभी गुलाब में 2 कलर आएगा तो मैं बताऊँगी। जैसे देखिए पीछे कितना सारा गुलाब एक गुच्छा में है, पूरा ज़्यादा है। तो मेरा सभी प्लांट इसी तरह से स्वस्थ रहता है। तो मैं इसको कैसे रखती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में मैं आप लोग को भी बताते ही रहती हूँ कि आप लोग ऐसा फॉलो कीजिएगा तो आपका भी होगा। जैसे एक ही प्लांट यहाँ पर है, जैसे देखिए कि ये 2 कलर है, तो यहाँ देखिए कितना कली इसमें आया हुआ है, लाल कली पूरा भरा हुआ है, पीला यहाँ खिला भी हुआ है। तो एक ही पेड़ में ये भी 3 कलर है दोस्तों, ये 2 कलर है, जैसे यहाँ भी देखिए कि ये 2 कलर है, जो वहाँ खिला हुआ है वही एक पिंक है और एक देखिए कि पीला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है और इसको भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, मेरा प्लांट ऐसे ही चलता है। तो इसमें करना क्या होता है इसके बारे में बताऊं कि अगर आपका इसे बनाना है तो आप रेनी सीजन में बनाइए या विंटर में भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें धूप नहीं चाहिए। अगर आप जो भी बनाते हैं नॉर्मल सीजन होना चाहिए, नॉर्मल से ग्राफ्टेड कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सीजन होना चाहिए, ज़्यादा कड़कती हुई धूप में नहीं बनता है। और दूसरा बात है कि इसको मैं इतना ग्रोथ कैसे बढ़ाती हूँ और इतना फूल मेरा कैसे आता है। तो दोस्तों इसको आपको क्या करनी है कि जैसे देखिए कि यहाँ मेरा ये 12 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं हमेशा जो भी खाद डालती हूँ आप लोग के अपडेट करते रहती हूँ। तो इसको सबसे पहला तो काम है कि आप जब इसको लगाइए तो आप इसको लगाते समय इसमें सॉइल को एसिडिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एसिडिक सॉइल रहता है तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें फूल आता है और एसिडिक के पसंद भी करता है।
तो दोस्तों इसको आपको एसिडिक बनाने के लिए चाहे तो आप विनेगर ले सकते हैं, नहीं तो आप सूखी हुई चाय की पत्ती ले सकते हैं। तो इतना आपको करना ज़रूरी होता है। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है तो भी डाल सकते हैं, और आपको नहीं चाहिए जैसे नहीं है आपके पास तो आप इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं और सूखी हुई चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। या अगर वो भी आपके पास नहीं है तो अलम तो सभी कोई जानता है, जो फिटकरी बोलते हैं आप लोग, उसको थोड़ा सा चूर्ण कीजिए और बुकनी करके इसको एक लीटर पानी में एकदम थोड़ा सा एक टुकड़ा बस इतनी सा आप इसको मिलाकर आप डाल दीजिए तो एसिडिक सॉइल हो गया। लेकिन इसमें खाद क्या डालते हैं, इससे क्या होता है? तो जैसे देखिए कि आप जब भी इसको बनाना चाहते हैं तो आपका एक महीना पर इसको गोबर की खाद डालिए। एक प्लांट में आप इसको 200 ग्राम महीना पर इसको आप गोबर की खाद दो मुट्ठी, और इसमें DAP थोड़ा 10 दाना डाल दीजिए, और इसको थोड़ा सा आप एक ठोप इसमें जो आता है सूखी हुई चाय की पत्ती यूज किया हुआ 2 चम्मच डाल दीजिए। तो फिर इसको रिंग नुमा बनाकर, जैसे मैं बताई हूँ कि रिंग नुमा इस तरह से बनाइए और यहाँ पर मिट्टी को उठा दीजिए और यहाँ डालकर फिर इसी मिट्टी को इस तरह से ऐसे ढक दीजिए और इसमें फिर पानी डाल दीजिए। तो आपका फूल से तो गमला भर जाएगा दोस्तों, बस फूलो तो कीजिए कि कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ फूल सभी कुछ आ जाएगा। मेरा प्लांट तो ऐसे ही चलते रहता है, सिर्फ मैं गोबर की खाद ज़्यादा यूज करती हूँ। और इससे कलम भी लगा सकते हैं आप, कटिंग करें तो एक से अनेक बनाइए। जैसे आज तुलसी विवाह है दोस्तों, तो मैं यहाँ तुलसी जी को एक जगह कर कर और सभी को नहला दी हूँ। नहलाने के बाद मैं यहाँ मंडप बनाऊँगी और बहुत अच्छा तरह से इनको पूजा होता है, तो सब साफ सुथरा कर कर मैं यहाँ पर बहुत सुंदर से मंडप बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों एक फूल में अनेक फूल भी हो सकता है, अनेक कलर हो सकता है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कितना भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बेझिझक बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। मेरा प्लांट तो सभी ऐसे ही चलते रहता है, सिर्फ गोबर की खाद और आप घर का चाय तो सभी कोई पीता है, आप चाय रखिए धोकर सुखा कर रख दीजिए तो आपका हर एक प्लांट, जैसे गुलाबी है तो गुलाब तो एसिडिक सॉइल खोजता है, तो इसमें भी चाय से बहुत ज़्यादा चमकीली होती है पौधा और फूल भी बड़ा साइज होता है, तो इस तरह से आप भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों और गुड़ाई इसको हमेशा कीजिए, एक महीना पर गुड़ाई ज़रूरी रहता है, नहीं तो आपका रूट बॉन्डिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। और दोस्तों क्या है कि इसमें फिर एक एक महीना पर आप इसको सूखी हुई चाय की पत्ती डाल सकते हैं, और जब ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो उस समय आप बनाना पील ओनियन पील डाल सकते हैं। मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बनाना पील ओनियन पील कैसे बनता है। तो मैं तो इसी तरह से करते ही रहती हूँ, जो मेरा प्लांट हर एक प्लांट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि सभी प्लांट मेरा घनत्व से लेकर फूल हो फल हो जो भी हो मेरा अच्छी तरह से ग्रोथ बढ़ते ही रहती है। और एक से अनेक कैसे कलर होता है उसके बारे में भी मैं वीडियो डाली हूँ, आप देख सकते हैं, आप बेझिझक ट्राई कीजिए। ट्राई करने से क्या होता है, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है, कोशिश कीजिए आपका भी सक्सेस ज़रूर होगा। और आप एक ही पेड़ में अन कलर बहुत अच्छा तरह खिलता है तो लगता है जैसे बड़ा पेड़ बन जाएगा तो और भी सुंदर लगता है। यही मेरा फूल कभी नहीं रुकता है, इससे भी ज़्यादा कोहरा पड़ेगा जनवरी में भी तो भी ना, पूरा दिसंबर जनवरी तो भी मैं ऐसी तरह से फूल मेरा फुलाते ही रहता है। जैसे पिंक यहाँ देख रहे हैं कितना लंबाई लिए हुए हैं ऊपर की ओर है, तो इसमें कांटा भी तो बहुत ज़्यादा रहता है, देखिए कितना ज़्यादा गुच्छा के रूप में यहाँ पिंक रोज यहाँ खिला हुआ है।